हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सुरभि, इंडियन गर्ल इन यूरोप। और आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आपको फ्री एजुकेशन करनी है यूरोप में तो आप कैसे कर सकते हैं। मैं आज ऐसी कंट्री के बारे में बात कर रही हूँ जो कि एक बहुत ही कमाल की कंट्री है रहने के लिए। सबसे पहले ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि इस पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आती रहती है जॉब्स और स्टडी से रिलेटेड, और अगर आपको मूव करना है यूरोप में। और चैनल का नाम इंडियन गर्ल इन यूरोप है, तो मैं यूरोप और जर्मनी से रिलेटेड, क्योंकि मैं जर्मनी में रहती हूँ, बहुत सारे वीडियोस बनाती हूँ जो बेसिकली आपको हेल्प करेगा ताकि आप मूव करो यहाँ पर। तो आज हम बात कर रहे हैं लग्जमबर्ग के बारे में। लग्जमबर्ग जो है वो वर्ल्ड रिचेस्ट कंट्री है और यहाँ पर भी ट्यूशन फीस पब्लिक यूनिवर्सिटी में जीरो है। दैट मींस अगर आप स्टडी करते हैं तो आप फ्री में एजुकेशन कर सकते हैं। इसके अलावा ये यूरोप में सिचुएटेड है, फ्रांस, बेल्जियम और जर्मनी जैसी बहुत ही अच्छी कंट्री जो है इनकी नेबर है। दैट मींस स्टूडेंट्स को अनलिमिटेड ऑप्शंस होंगे यूरोप ट्रैवल करने के लिए। प्लस ट्रांसपोर्टेशन इस कंट्री का फ्री है, चाहे वो रेसिडेंट हो या फिर टूरिस्ट हो, उन सब के लिए फ्री है। एक मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरी कंट्री का। एक बहुत छोटी सी कंट्री है बट वेल रिकॉग्नाइज्ड है बिकॉज वर्ल्ड रिचेस्ट कंट्री है। 6.5 लाख जो है वो इसकी पॉपुलेशन है। एंड द बेस्ट थिंग इज कि अब जो है आप लोग मूव कर सकते हैं। प्लस बहुत सारे एक्सपैट्स वहाँ पर रहते हैं तो वाइडली इंग्लिश जो है वो बोली जाती है। मैं लैंग्वेज की बात करूँ तो ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो फ्रेंच है, जर्मन है और लग्जमबर्गिश जो खुद की लैंग्वेज वो है। बट इंग्लिश जो है वहाँ पर सभी लोग बोल लेते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी जैसे हमें जर्मनी में आती है। लग्जमबर्ग की करेंसी जो है वो यूरो है, दैट मीन्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग करेंसी है। इसके अलावा बहुत सारी और अच्छी बातें हैं लग्जमबर्ग के बारे में जो आप हमारा इंस्टाग्राम रील देख सकते हैं, उसमें कुछ वीडियोज़ वायरल हो रहे हैं जो कि बहुत ही अच्छी बातें मैंने बताई है अगर आपको मूव करना है जॉब प्रोस्पेक्टिव से लग्जमबर्ग के बारे में। अब इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि आपको वाई लग्जमबर्ग, आपको क्यों चूज करना चाहिए स्टडी के लिए लग्जमबर्ग। देन द अदर थिंग इज कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हो यूनिवर्सिटीज के लिए, कौन कौन से कोर्स होते हैं, इंग्लिश कोर्सेज कौन कौन से होते हैं, एट द एंड बैंक फंड्स आपको कितना दिखाना पड़ेगा, आईलेट्स की जरूरत है या नहीं है, या फिर और कौन सी रिक्वायरमेंट्स है स्टूडेंट वीजा के लिए, स्टूडेंट वीजा टाइमलाइंस कितना है, इंटरनेशनल स्टूडेंट लाइक इंडियंस जो है वो अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं वाई लग्जमबर्ग। तो सबसे अच्छी बात ये है कि लग्जमबर्ग जो है वो वर्ल्ड रिचेस्ट कंट्री है। इसकी वजह से आपको जॉब मिलने के चांसेस भी जो हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे, प्लस सैलरीज आपकी वहाँ पर बहुत ज़्यादा होगी, आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होगी वहाँ पर। और अगर हम एजुकेशन की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा एडवांस, मॉडर्न और हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करी जाती है लग्जमबर्ग में। लग्जमबर्ग बहुत ही ज़्यादा रिकॉग्नाइज्ड है ओल्ड यूनिवर्सिटीज़ में, जिसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ओल्ड हैं जो कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ प्लस प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें एजुकेशन करना जो है वो बहुत ही अच्छा माना जाता है। प्लस आप आगे के लिए रिसर्च भी कर सकते हैं, तो बहुत सारे ऑप्शंस जो हैं वो आप लोगों के लिए यहाँ पर खुले हुए हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि एजुकेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन है, तो जो आपको फ़ायदा करेगा लॉन्ग रन, और या फिर आपको यूरोप में और किसी कंट्री में वर्क करना है या लग्जमबर्ग खुद उस कंट्री में आपको वर्क करना है, तो उसके लिए आपको बहुत सारे ऑप्शंस जो है वो ओपन करेगा, क्योंकि मॉडर्न एजुकेशन, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के कारण आप जो है वो जो आज की एजुकेशन है उसको पढ़ोगे वहाँ पर। एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात की यूनिवर्सिटीज़ में फ्री एजुकेशन है या नहीं, तो हाँ, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में फ्री ट्यूशन फीस है, ज़ीरो ट्यूशन फीस पे जो है वो वर्क करता है। आपको एट द एंड कुछ सेमेस्टर फीस पे करनी होती है जो 100 से 250 यूरोस के लगभग होती है, जो पर सेमेस्टर आपको पे करना पड़ेगा। तो आपको कोई भी ट्यूशन फीस पे नहीं करनी पड़ेगी अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटी में एजुकेशन कर रहे हो तो। वेयर एज अगर आपके पास पैसे हैं और आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एजुकेशन करनी है तो आपके पास वो भी ऑप्शंस ओपन है जो कि 8,000 यूरो से 15,000 यूरो तक जो है वो एजुकेशन का खर्चा होगा, अराउंड 8 लाख टू 15 लाख, उसमें आप एजुकेशन कर सकते हो अगर आपको लग्जमबर्ग में रहना है, वहाँ पर आप सोच रहे हो कि आपको कोई बिजनेस करना है या आगे जॉब करनी है या कोई स्टडी प्रोग्राम है जो आपको लगता है कि नहीं आपको कर लेना चाहिए, तो आप जो है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी को भी चूज़ कर सकते हो। बट मैं आपको यहाँ पर रिकमेंड करूँगी बिकॉज ऑप्शंस है इंडियंस के लिए, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए,
पब्लिक यूनिवर्सिटी में फ्री एजुकेशन, तो आप उन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करो एंड कुछ सेमेस्टर फीस देके जो है वो आप अपनी पूरी एजुकेशन कर सकते हो। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो ऑफिशियल लैंग्वेज वो फ्रेंच, जर्मन और लग्जमबर्गिश है, बट बहुत सारे इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स भी हैं जो कि आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपको इंग्लिश में एजुकेशन करनी है। ऑफकोर्स अगर आप इंडिया से यहाँ पर एजुकेशन करने आओगे तो आप इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स जो है वो चूज़ करोगे, तो बहुत सारे इंग्लिश टॉट प्रोग्राम भी है जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगी कि आप कैसे देख सकते हैं, प्लस सेमेस्टर फीस कितनी है कैसे देख सकते हैं, लैंग्वेज कौन सी है कैसे देख सकते हैं, वो हम आगे वीडियो में बात करेंगे। बट ये था एजुकेशन सिस्टम लग्जमबर्ग के बारे में जो कि बहुत ही कमाल है, और बिना कुछ टाइम वेस्ट करे हुए आपको ये वाला ऑप्शन जो है वो अपने दिमाग में ज़रूर रखना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि आपको क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए, बैंक फंड्स कितना अरेंज करना पड़ेगा आपको, स्कॉलरशिप के कौन से ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहली बात, अगर आप यहाँ पर एजुकेशन करने जाते हैं तो आपको ब्लॉक्ड करना पड़ेगा कुछ अमाउंट, जितने भी टाइम का आपका कोर्स है लाइक 1 ईयर, 2 ईयर या जितने भी टाइम का है, उस टाइम पे आपको अपना अमाउंट कुछ ब्लॉक करना पड़ेगा, वो है अराउंड 1200 यूरोज़ पर मंथ। ये जो 1200 यूरोज़ पर मंथ है ये आप जो है वो अपने एक्सपेंसेस पे खर्चा करोगे जब आप वहाँ पर रहोगे, क्योंकि रिचेस्ट कंट्री है इसलिए एक्सपेंसेस भी ज़्यादा है, प्लस जब आप जॉब करोगे तो सैलरी भी ज़्यादा होगी। यहाँ पर आप बहुत सारी स्कॉलरशिप्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं जो कि गवर्नमेंट द्वारा भी फंडेड होती है, या फिर ऐसी बहुत सारी वेरियस अपॉर्चुनिटीज़ होती है स्कॉलरशिप की जो डिफरेंट जगह पर आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए मैंने एक बहुत ही कमाल की रील बनाई थी, वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं, बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटी है जो फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स जो है वो आपको देती हैं, तो वो आप अप्लाई कर सकते हो। बेस्ड ऑन कुछ ही रिक्वायरमेंट होती है आप अप्लाई कर सकते हो, तो इवन जो 1200 यूरोज़ पर मंथ का आपका एक्सपेंसेस है वो भी कवर हो जाएगा अगर आपको ये स्कॉलरशिप मिल जाती है। तो अब हम बात करते हैं आईलेट्स जो कि इंग्लिश टेस्ट होता है, उसकी रिक्वायरमेंट होती है या नहीं होती। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ में होती है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में नहीं होती। जो भी आपकी चॉइस ऑफ यूनिवर्सिटी है उसमें आपको देखना पड़ेगा कि लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट क्या है। अगर उसमें लिखा है कि हाँ आईलेट्स की रिक्वायरमेंट है प्लस कितने उसमें मार्क्स चाहिए तो आप उसमें देख सकते हो, बट मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी में नहीं होती। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि अगर आपको आईलेट्स नहीं देना तो आप ऐसी यूनिवर्सिटी चूज़ कर सकते हो, और अगर आपको आईलेट्स दे के यहाँ पर आना है तो आप उस तरीके की यूनिवर्सिटीज़ जो है वो चूज़ कर सकते हो अपनी स्टडी के लिए। अब दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है अगर आपको स्टडी करना है लग्जमबर्ग की यूनिवर्सिटी में, बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में। एक तो सबसे पहली बात होती है कि अगर आपका कोई एक्सपीरियंस हो, लाइक अगर आपने बैचलर करा हो और आपका 1 to 3 years ऑफ एक्सपीरियंस है, तो ये आपके रिज्यूमे को जो है वो और स्ट्रांग बनाता है, और आप स्टडी करने के बाद आपके पास ऑप्शंस जो हैं वो जॉब करने के बहुत सारे बढ़ जाते हैं, प्लस आपको सैलरी भी अच्छा ऑफर होती है। प्लस अगर आपका कोई स्टडी गैप है लाइक 1 से 5 year का, तो 1 to 5 year गैप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपना स्टडी जो है वो फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं uni.lu यूनिवर्सिटी ऑफ लग्जमबर्ग, इसमें अगर आप एजुकेशन ऑप्शंस पे जाओगे तो उसका एजुकेशन ऑप्शन में आपको वेरियस स्टडी प्रोग्राम्स देखेंगे, जैसे बैचलर मास्टर प्रोग्राम हो गया, डॉक्टरेट एजुकेशन हो गई ऐसा। तो अभी मैं सबसे पहले जाती हूँ बैचलर एंड मास्टर प्रोग्राम में, एंड देन यू कैन सी द लॉट्स ऑफ स्टडी प्रोग्राम नीचे। अब मैं अगर यहाँ पर मास्टर्स एट द फैकल्टी ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड मेडिसिन में जाऊँगी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे प्रोग्राम, मैं किसी पे भी चूज़ करती हूँ, जैसे इंटरनेशनल मास्टर्स ऑफ साइंस इन बायो मेडिकल। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो ड्यूरेशन है वो 2 years है, लाइक 4 semester हैं। इंग्लिश है लैंग्वेज, ये बहुत अच्छी बात है। देन एडमिशन जो हैं वो 15 मार्च 2024 से स्टार्ट होंगे ईयू के लिए, लेकिन अगर नॉन ईयू लोग हैं जैसे हम लोग हैं तो वो 15 मार्च 2024 से 14 अप्रैल जो है वो डेडलाइन है। तो ये जो हो गई वो ड्यूरेशन हो गया। अब हो गया फीस, फीस की बात करें तो 200 पर सेमेस्टर, तो 4 semester की अराउंड 800 यूरोज़, लाइक 70,000 बस फीस होगी, उसके अलावा आपका कोई भी फीस नहीं लगेगी अगर आप ये प्रोग्राम चूज़ करते हैं तो, ठीक है। इसके अलावा ये फुल टाइम कोर्स होगा, कौन से कैंपस में होगा वो, बाकी की सारी डिटेल्स जो है वो भी आप नीचे कर सकते हो।
देख सकते हो। इसमें बाकी की भी चीज़ें डिटेल्स होती हैं कि किस पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, और आप यहीं पर जो है वो अप्लाई कर सकते हो, या तो आप इनको ईमेल कर सकते हो और इसी ऐसे ही आप इन लोगों को अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे आप सारे कोर्सेज देख सकते हो, आप चूज़ कर सकते हो, फ़ीस देख सकते हो, कौन से थॉट प्रोग्राम में है वो देख सकते हो, और आपका जो भी इंटरेस्ट है उस हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप सक्सेसफुल हो गए तो आपके पास यूनिवर्सिटीज़ जो है वो लेटर आ जाएगा, इनविटेशन लेटर। वो इनविटेशन लेटर जो है वो आपको स्टूडेंट वीज़ा के टाइम पे दिखाना पड़ेगा, और जो स्टूडेंट वीज़ा का टाइमलाइन है वो अराउंड 15 डेज़ है, जो कि भी बहुत अच्छी बात है। तो ये सारी डिटेल्स हो गई हाउ टू अप्लाई, कैसे, कहाँ पर, कौन सा प्लेटफॉर्म है। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, और हाँ, और भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट में कर सकते हो। बाकी अगर आपको स्पेसिफ़िक गाइडलाइंस चाहिए, स्पेसिफ़िक गाइडेंस चाहिए, तो आप जो है वो 1-to-1 सेशन बुक कर सकते हो। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन पे है, बाकी की भी डिटेल्स जो है वो डिस्क्रिप्शन पे है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। हाँ, और सब्सक्राइब करें बिना मत जाना। बाय बाय।